good morning students this video is from rsm vidyashram school for students of class third today we are going to start semester two book okay so first of all we will open the page number 10 chapter 2 of english we are going to start today as of now chapter 1 is removed from your syllabus okay so नाउल्टर टू द्राह्मी शीड हाउीन बिल्ट कैस्टल इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं की जो लेजी ब्राह्मण था जो आलसी ब्राह्मण था उसने कैसे कैस्टल हवा में बना ली थी ठीक है देर लिव्ड अ लेजी ब्राह्मण नेम्ड मनमोजी राम एक समय एक आलसी ब्राह्मण था जिसका नाम क्या था मनमोजी राम एवरी डे ही वुड सेट आउट इन द मॉर्निंग विद हिस्स बैगिंग बोल वो क्या करता था हर सुबह वो बाहर बैठ जाता था अपनी भिकारी भीख मांगने वाले कटोरे के साथ में बैठ जाता था सुबह सुबह सम जेनरस नेबर्स यूज टू पिटी ऑन हिम एंड गिव हिम फूड तो कुछ जो जेनरस नेबर्स थे पड़ोसी थे जेनरस मतलब होता है खुले दिल के ठीक है जिनको ईजिली uh, दया आ जाती है ओपन हार्टेड तो वो लोग क्या करते थे कुछ उसको खाने को या कुछ उसको दे देते दे थे हाउर वर डेज वेन ही डिड नॉट गेट एनी थिंग टू ईट और फिर कुछ दिन ऐसे आए कि उसको कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए ऑन दोज डेज और उन दिनों में ही प्रेफर टू स्टाफ रेदर देन गोइंग आउट एंड डूइंग सम वर्क उसने क्या किया उसने बाहर जाकर काम करना ज़रूरी नहीं समझा और उसने क्या प्रेफर किया उसने ये ज़रूरी समझाया उसको ये पसंद आया उसने ये ज़्यादा पसंद किया कि वो भूखा मरेगा स्टाफ मतलब भूखा मरना लेकिन वो ये नहीं कर सकता था कि वो बाहर जाकर कुछ काम कर ले कुछ पैसे कमा ले खाने के लिए वन पर्टिकुलर डे प्रूवड टू बी वेरी लक्की फॉर हिम एक दिन क्या हुआ उसके लिए काफ़ी लक्की साबित हुआ बहुत ही लक्की साबित हुआ अथ अ रिच मैन इन अ जेनरिस मूड गेव हिम अ पॉट फुल ऑफ फ्लार एक दिन किसी अमीर आदमी ने जो कि काफ़ी ओपन हार्टेड बहुत ही खुले दिल का था उसने उसको एक पूरा पॉट भर के आटा दे दिया मनमोजी राम कुड़ नोट बिलीव हिज आईज और उसको इस बात का भरोसा नहीं हुआ। He thanked the man profusely and ran back home। तो वो क्या हुआ? उसने बहुत ही जल्दबाजी में क्या करा? उसने थैंक यू बोला उस आदमी को और फटाफट बहुत ही जल्द घर भाग गया। He hung the pot of flour just above his coat and laid down। उसने क्या किया? वो जो पॉट था आटे का जो कटोरा था आटे का उसको उसने टांगा और उसके नीचे उस उसकी जो खाट थी उसके ऊपर टांगा और उसके नीचे खाट पे जाकर सो गया ही लुकड एट दी पॉट एंड थाट उसने पॉट को देखा और सोच रहा था आई विश आई वर रिच देन आई वुड नॉट हैव टू बैग फॉर फूड एवरीडे वो क्या सोचने लग गया कि काश मैं भी काफ़ी अमीर होता तो मुझे भी क्या नहीं करना पड़ता मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ती रोज़ खाने के लिए धीरे धीरे उसकी जो इमेजिनेशन थी जो वो सोच रहा था वो जो कल्पना तो मतलब तो काश वो अगर आ, अमीर होता तो वो क्या करता खाने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती लेकिन जैसे जैसे उसकी लालच बढ़ती गई ये सोच के ही थॉट वॉट इफ दी इज सडनली स्ट्रक बायमिन तो वो क्या सोचने लगा कि कैसा हो कि जो कंट्री है जो देश है वहाँ पूरा भुखमरी आ जाए मतलब खाने की शॉर्टेज हो जाए फेमाइन मतलब होता है शॉर्टेज किस चीज की खाने की सूखा आकाल है ना तो वो आ जाए तो वो सोच रहा था देर विल बी नो फूड तो वहाँ पे कोई खाना ही नहीं होगा और फूड विल बिकम एन एक्सपेंसिव कमोडिटी तो जो फूड अब अगर कुछ भी नहीं होगा तो जो बचा कुचा खाना होगा वो तो महंगा होगा ही है ना तो वो क्या सोचने लगा कि तो उसको अगर देश में क्या हो जाए पूरी अकाल आ जाए तो जो फूड है वो काफी महंगा हो जाएगा मतलब वो एक चीज क्योंकि जिस चीज की शॉर्टेज होती है वो चीज तो हमेशा महंगी होती है तो वो बहुत ही महंगा हो जाएगा जो फूड है एंड आई नीड नॉट वरी और उसको क्या नहीं करनी पड़ेगी उसको वरी नहीं करनी पड़ेगी उसको चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्यों चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा आटा आ ही चुका था उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है अगर ये फैमाइन से भी अगर पूरा कंट्री सफर करता है भूख से अकाल से भी अगर करता है तो उसको ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। माई पॉट हैज इन अ फ्लार टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और जो उसका तो उसको लग रहा था कि उसके जो बर्तन में उसका जो पॉट है जिसमें वो आटा था उसको रिच मैन ने दिया था काफ़ी सारा आटा तो वो काफ़ी लंबे समय तक उसके पास वो आटा पड़ा रहेगा देन सडनली एन आइडिया स्ट्रक हिम और एकदम से उसको फिर से किसी थॉट ने उसी के किसी विचार ने उसको स्ट्रक कर दिया आई शुड मेक सम मनी वाइल द फेमाइन लास्ट और उसको क्या लगा कि मुझे तब तक कुछ पैसे कमा लेने चाहिए जब तक आकाल रहेगा आई शड सेल माई फ्लार टू द नीडी और उसको लगा कि वो बोल रहा था कि अब मैं क्या करता हूँ अब मैं जो आटा मेरे पास बहुत सारा आटा है मैं उसको ज़रूरतमंद लोगों को बेच देता हूँ येस हाँ यस तो बोलते हैं हाँ हाँ यही सही रहेगा आई विल गो टू द मार्केट एंड अनाउंस ओपनली हु वॉन्ट्स टू बाय एक्सीलेंट फ्लार और उसने क्या सोचा कि वो मार्केट जाएगा और अनाउंस करेगा जोर जोर से चिल्लाएगा कि, कि किसको बहुत ही अच्छा आटा चाहिए उड अराउंड म्यू और बहुत जल्द लोग मेरे आस पास में इकट्ठे हो जाएंगे सम्बडी फ्रॉम द्राउड और उन उस भीड़ में से लोगों की भीड़ में से कोई एक चिल्लाएगा आई विल पे यू टेन रुपीज फॉर दी फ्लार होता है और उन सब में से कोई एक चिल्लाएगा कि मैं तुम्हें इस आटे के दस रुपये दूंगा अनादम मैन विल काउंटर बिड वो और जो दूसरे आदमी है वो बोली लगाएगा वो बोलेगा आई विल पे यू ट्वेंटी रुपीज़ वो उससे दुगना उसको कीमत देगा उस आटे की वो ट्वेंटी रुपीज़ और थर्ड मैन विल से और तीसरा आदमी बोलेगा कि क्या बीस रुपये आई विल पे थर्टी रुपीज़ फॉर देट फ्लार मैं तुम्हें तीस रुपये दूंगा इस फ्लार के मतलब इस आटे के आई विल सेल दी पॉट ऑफ फ्लार फॉर थर्टी रुपीज़ और वो सोचा है कि मैं इस आटे के पॉट को क्या करूंगा तीस रुपये में बेच दूंगा ये सब उसका इमेजिनेशन है

फैटन करूँगा उनको चारा वारा दे के हर्ष पुष्ट करूंगा और ब्रीड दें और उनसे और ज्यादा प्रज उनकी जो नस्ल होती है वो बढ़ाऊंगा माय गोट विल गिव बर्थ टू लिटिल किड्स और जो मेरी बकरी होगी वो छोटे बच्चों को जन्म देगी आई विल सेल गोट्स मिल्क टू माय नेबर्स मैं वो जो आ, दूध है उसको क्या करूँगा अपने पड़ोसियों को बेचूंगा बाई सेलिंग मिल्क आई विल अर्न मनी और दूध बेचने से क्या होगा कि मैं पैसे कमाऊंगा देन आई विल टेक माई गोड्स टू दी मार्केट टू सेल देम और उसके बाद में क्या करूंगा मैं जो मेरी गोड्स है उनको लेके जाऊंगा मार्केट में बेचने के लिए लुकिंग एट माई हेल्दी गोड्स अय स्टैंडर्ड विल ऑफर मी हंड्रेड रुपीज और मेरी हेल्दी गोड्स को देख के मेरी जो स्वस्थ हर्ष पुष्ट गोड्स है बकरी है उनको देख के जो बायर है जो आसपास खड़े होंगे जो क्या बोलते हैं दर्शक उनको तो वो लोग क्या करेंगे बाई स्टैंड मतलब जो भी वहां पे देख रहे होंगे उस हेल्दी गोट को वो उसको सौ रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे आई विल गिव हिम माई गोट और फिर मैं उन्हें अपनी गोट बेच दूंगा विथ हंड्रेड रुपीज और उस सौ रुपए के साथ में आई कैन बाय अ सिल्क धोती एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स और मैं उस सौ रुपए के साथ में एक सिल्क की धोती ले सकूंगा और बहुत सारी और भी चीज़ें नो no, नो no, उधर नहीं नहीं अब वो सोच रहा है आई विल नॉट वेस्ट माई मनी मैं इन सब चीज़ों पे अपना पैसा बर्बाद नहीं करूँगा वेस्ट नहीं करूँगा इंस्टेट आई विल बाई टू काउस और उसकी जगह मैं क्या करूँगा उन पैसों से वो सौ रुपये जो उसके पास आएंगे उससे वो दो गाय खरीदेगा आई विल गेट माई काउस मेटेड एंड सून दे विल बी क्यूट लिटिल काव्स और उनको भी मैं क्या करवा दूँगा मैं काउस को भी ब्रीड करने के लिए उनको मैटेड करवा दूंगा और उनके भी छोटे छोटे काल्स हो जाएंगे प्यारे प्यारे आई विल सेल काउज मिल्क एंड ऑल्सो मेक चीज एंड बटर और फिर वो जो दूध दहेगा गाय से उसका क्या करेगा चीज बनाएगा बटर बनाएगा आई विल सेल चीज बटर एंड घी टू माई नेबर्स और वही जो चीज़ वही जो घी वही जो बटर होगा वो अपने पड़ोसियों को बेचेगा देन आई शैन मेक स्वीट्स आउट ऑफ मिल्क और जो मिल्क होगा उससे वो क्या बनाएगा मिठाई बनाएगा स्वीट्स बनाएगा आई विल बाय अ स्मॉल शॉप एंड सेल माई स्वीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स और उसकी इमेजिशन इमेजिनेशन कल्पना उसकी जो दिमाग में चल रही थी वो यहाँ तक पहुंच गई कि वो क्या करेगा छोटी सी दुकान भी खोलेगा और वहां पे अपनी जो मिठाई होगी दूध से बनी हुई और दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सब वहाँ पे बेचेगा मैन एंड वुमेन हु टेस्ट माई स्वीट विल कम बैक आस्किंग फॉर मोर जो आदमी और जो औरतें मेरे दुकान की मिठाई खाएंगी टेस्ट करेगी उनको वो अच्छी लगेगी तो वो दूसरी बार वापस ज्यादा लेने के लिए आएगी सून पीपल शेल थ्रोंग माई स्वीट शॉप और कुछ बहुत ही जल्द क्या होगा कि मेरी मिठाई की जो दुकान है उसके आस पास बहुत ज्यादा भीड़ लग जाएगी थ्रोंग मतलब होता है भीड़ लग जाना आई विल मेक लॉर्ड्स ऑफ मनी और ऐसे करके मैं क्या करूँगा बहुत सारे पैसे कमा लूंगा बना लूंगा विद दी मनी और उस मनी के साथ आई शेल बाय गोल्ड और उसके साथ मैं क्या करूंगा सोना खरीदूंगा आई विल सून बिकम अ मर्चेंट अ गोल्ड मर्चेंट और बहुत सारा सोना खरीदने के बाद मैं क्या बन जाऊंगा मर्चेंट बन जाऊंगा गोल्ड मर्चेंट और मर्चेंट मतलब होता है सौदागर ठीक है तो जो सोने का सौदा करता है मैं वो बन जाऊंगा आई विल बिल्ड अ बिग हाउस विद ब्यूटिफुल ग्रीन लॉज और उसके बाद में मैं क्या करूंगा एक बड़ा सा घर बनाऊंगा जिसके आगे बहुत बड़ा हरा भरा और बहुत सुंदर लॉन होगा देर विल बी अ पूल इन दी कोर्ट यार्ड फिल्ड विथ लोटस फ्लावर्स और वहाँ पे कोर्ट में एक पूल भी होगा जहाँ क्या करेगा वो लोटस होंगे फ्लावर्स में वाइट स्वान्स विल ऑल्सो ग्रेस माई पूल और वहाँ पे वाइट स्वान्स जो होंगे वो उसके पूल को और दुगनी सुंदरता देंगे सून

कोई रिच लैंड लॉर्ड जमींदार अमीर जमींदार मुझसे उसकी बेटी से शादी करने के लिए पूछेगा वन द द्यूटिफुल गर्ल एंड आई विल मैरिड और एक अच्छा लुक उस सुंदर लड़की की तरफ और मैं क्या डिसाइड कर लूंगा उससे शादी करने का वी शैल बी वेरी हैप्पी और हम काफी खुश रहेंगे सून सन शैल बी टू टूअर्स और कुछ ही जल, और बहुत ही जल्द हम लोगों का एक छोटा सा बेटा भी हो जाएगा आई विल नेम हिम खुशा और मैं उसका नाम क्या रख दूंगा खुशा रख दूंगा लेटर आई विल हैव अ डॉटर और उसी के कुछ टाइम बाद मुझे एक छोटी सी बेटी भी होगी आई शिल नेम हर खुशहाली और मैं उसका नाम क्या रख दूंगा खुशहाली माई किड्स विल बी वेरी स्मार्ट एंड नोटी और जो मेरे बच्चे होंगे वो काफ़ी स्मार्ट होंगे और समझदार और नोटी बदमाश भी दे विल प्ले प्रैंक्स एंड वरी दी नेबर्स और वो क्या करेंगे प्रैक्टिकल जोक्स होता है प्रैंक्स मतलब कुछ ऐसी शैतानी जिसका रिजल्ट हो और परेशान करेंगे आस पड़ोस के लोगों को एवरी डे आई शैल हेअर कंप्लेंट्स फ्रॉम दी नेबर्स और मैं रोज उनकी उनके बारे में कंप्लेंट सुनूंगा पड़ोसियों से वन डे आई विल गेट एंग्री एंड आई शेल रन आफ्टर माइ केट दिक और एक दिन क्या होगा कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊँगा परेशान हो जाऊँगा उनकी कंप्लेन सुन सुन के तो मैं क्या करूँगा उनके पीछे मेरे बच्चों के पीछे एक डंडी लेके भागूँगा आई विल टीच डैम टू बी वेल मैनर्ड और मैं उनको सिखाऊँगा कि उन्हें क्या रहना चाहिए वेल मैनर्ड रहना चाहिए अच्छी आदतें अच्छे बच्चे की तरह रहना चाहिए आई विल हिट देम विद स्टिक और मैं उन्हें उस स्टिक से मारूँगाइंग दिस

किससे भरा हुआ था आटे से भरा हुआ था वो फूट कर नीचे गिर गया डिस्टर्ब बाय द क्रैशिंग साउंड मनमोजी राम अप एंड लुक्स अराउंड उस क्रैशिंग साउंड से जो क्या हुई जो उस पॉट के टूटने की आवाज़ से मनमोजी राम जगा और उसने आसपास देखा ही डज़ नॉट सी हिज वाइफ किड्स हिज हाउस और हिज गार्डन और जब वो जगा तो उसने आसपास देखा तो उसको ना तो उसकी कोई वाइफ दिखी ना ही उसके कोई बच्चे और ना ही कोई घर और गार्डन ऑल ही सो वॉज फ्लोर एंड पीसीज ऑफ ब्रोकन पॉटर्ड फ्लोर जो भी ये सब उसके इमेजिनेशन से बाहर जब उसने आकर देखा तो वहां क्या दिखा उसको ना तो कोई वाइफ थी कोई बच्चे थे ना ही कुछ और जो वो सोच रहा था लेकिन उसने क्या देखा वहाँ पे जो आटा था उस पॉट में वो और पॉट के टूटे हुए टुकड़े फ्लर्श फर्श पे फ्लोर पे बिखरे हुए थे आटा भी और पॉट के टुकड़े भी तो वो इतना ज्यादा उस चीज को लेके एक तो आलसी था कि वो कोई काम ही नहीं करना चाहता था और सेकेंडरी वो जब उसको आटा मिला तो उसको लालच आई और लालच के मारे उसने इतनी इमेजिनेशन कर ली कि उसके पास जो था वो भी उसके पास नहीं बचा है ना ठीक है तो दिस वाज दी स्टोरी ऑफ अ लेजी ब्राह्मण इसलिए हमें लेजी नहीं होना चाहिए हमें काम करते रहना चाहिए एंड सेकेंडली ना ही हमें इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना चाहिए कि हम हमारे रियलिस्टिक जो हमारे आस पास सच में चल रहा है उन चीजों को नोटिस कर ही ना पाए सो ना वेलकम टू कॉम्प्रेशन स्किल फर्स्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अगर ट्रू है तो टी लिखोगे और फॉल्स है तो एफ लिखेंगे सम जेनरस नेबर्स यूज टू टेक पिटी ऑन मन मोजी एंड गिव हिम फूड कुछ जो ओपन हार्टेड खुश दिली लोग थे पड़ोसी मनमोजी राम को क्या करते थे खाना दे देते थे कुछ खाने के लिए सो दिस वॉज ट्रू अ रिच मैन इन अ जेनरस मूड गिव मनमोजी अ पॉट फुल ऑफ वीट एक अमीर आदमी ने क्या किया मनमोजी को खुश दिल से अच्छा अच्छे मूड में था वो तो उसने क्या किया मनमोजी को एक फुल पॉट पूरा मटका भरा हुआ क्या दिया व्हीट गेहूं नहीं उसने फ्लार दिया था आटा दिया था तो ये फॉल्स मनमोजी थॉट दैट द कंट्री सडनली स्ट्रक बाय फैमाइन और मनमोजी क्या सोचा था कि एकदम से कंट्री जो है देश जो है वो स्ट्रक हो जाएगा फंस जाएगा भूख से ट्रू मनमोजी चिल्ड्रन हिट पॉट मनमोजी के जो बच्चे थे उन्होंने पॉट को हिट किया नहीं उसने खुद नहीं किया था दिस इज फॉल्स बी टिक करेक्ट ऑप्शन एवरी डे मनमोजी राम वुड सेट आउट इन द मॉर्निंग विद हिज रोज सुबह मनमोजी राम बाहर बैठ जाता था किसके साथ में बैगिंग सॉसर बैगिंग बाउल बैगिंग हैंड्स क्या लेके बैगिंग बाउल लेके तो हम यहाँ पे इसको टिक कर देंगे वन पर्टिकुलर डे प्रूफ टू बी डैश फॉर मनमोह जी एक दिन उसके लिए काफी क्या प्रूफ हुआ मनमोह के लिए बैड गुड या लक्की क्योंकि क्या हुआ था उस दिन एक अमीर आदमी ने उससे आके एक भरा हुआ पॉट दिया था किसका फ्लार का मनमोह जी वॉन्टेड टू सेल दॉट ऑफ फ्लार फॉर मनमोह जी जो था वो उस आटे के डिब्बे को कितने में बेचना चाहता था टेन रूपीज थर्टी रुपीज ट्वेंटी रूपीज कितने में थर्टी रुपीज में मनमोजी वॉन्टेड टू बिल्ड अग डैश विद ब्यूटिफुल ग्रीन लॉन मनमोजी क्या बनाना चाहता था बहुत बड़ा सा ब्यूटिफुल ग्रीन लॉन के साथ में हाउस फार्म हाउस या गार्डन क्या बनाना चाहता था हाउस तो हम यहाँ टिक कर देंगे फिलिंग द्लैंक मनमोजी थैंक्ड दैन एंड बैक होम वो उसने क्या किया जो जिस आदमी ने उसे बहुत बड़ा पॉट दिया था फ्लावर काटे का उसको उसने प्रोफ्यूजली थैंक यू बोला और जल्दी से घर भाग गया मनमोजी स्पॉट हैड इनफ टू लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम उसके पॉट में इतना पर्याप्त क्या था बहुत समय तक चलने वाला फ्लार मनमोजी वॉन्टेड टू सेल goats मिल्क टू हिज मनमोजी जो था वो goats का मिल्क जो वो सोच रहा था कि वो बकरियां लाएगा और बकरियों का दूध वो किसको बेचेगा अपने नेबर्स, को. हमने नेबर्स लिख दिया मनमोजी ब्रोकन पॉट वॉज लाइंग डैश ऑन द फ्लोर मनमोजी का जो टूटा हुआ पॉट था वो क्या फर्श पे पड़ा था स्कैटर्ड बिखरा हुआ scattered ठीक है तो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर ए बी एंड सी क्वेश्चन नंबर डी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जिसके आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी आई होप आपको ये स्टोरी काफी पसंद भी आई हो आपने इससे लेसन भी लिया हो और समझ भी आई हो थैंक यू